परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं आज के समय के लिए, जो समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ है, इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। भजन 23 उसकी पहली आयत कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अब सवाल ये आता है कि अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो होगा क्या? भजनकार कहता है मुझे कुछ घटी ना होगी, क्या केवल वही चीज है? अगर हम भजन 23 को देखें तो हम तीन चीजों को पा सकते हैं कि जब यहोवा मेरा चरवाहा होगा तो मेरा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा। पहली बात हम देखेंगे कि अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो हमारा जीवन संतुष्टि का, संतृप्ति का जीवन होगा। अब संतृप्ति इस चीज में नहीं होनी है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है इसीलिए हम संतृप्त हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि हमारी जरूरतें होती हैं लेकिन परमेश्वर उन्हें पूरा ना करे। कई बार हो सकता है हमारे प्रार्थना निवेदन होते हैं लेकिन परमेश्वर उन्हें ना सुने या फिर उनका उत्तर हमारे अनुकूल ना दे, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारा चरवाहा है। उसको पता है कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक क्या है, उसको पता है कि हमारे जीवन के लिए सही चीज क्या है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। घटी ना होगी मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से हर वो चीज जो मुझे आवश्यक है परमेश्वर वह चीज मुझे देगा। लेकिन शायद हो सकता है कुछ चीजें जो हमें लगता है कि आवश्यक है लेकिन परमेश्वर को लगता है वो आवश्यक नहीं है, तो परमेश्वर वो चीजें हमारे जीवन में नहीं देगा। अब संतुष्ट हमें किस में होना है? संतुष्ट हमें इस चीज में नहीं होना है कि हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन हमें संतुष्ट इस चीज में भी होना है कि अगर हमारी जरूरतें पूरी ना हो लेकिन फिर भी परमेश्वर यहोवा हमारे साथ में है। दूसरी बात हम देखेंगे, यदि यहोवा मेरा चरवाहा है तो क्या होगा? हमारा जीवन निडरता का जीवन हो जाएगा, एक निर्भीकता का जीवन हो जाएगा। उसकी आगे की आयत कहती है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से चलूं तो भी मैं किसी हानि से ना डरूंगा। यह परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि जब हम मुसीबत से होके जाते हैं, जब हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होके जाते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे संग और साथ में रहता है। तो एक निडरता का जीवन हमारे पास में आ जाएगा। अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, कई लोग हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कई मसीही लोग हैं, पासवान लोग, कई लोग हैं जो डरे हुए हैं कोरोना की वजह से। सबको यही लग रहा है कि इतने लोग मर रहे हैं, कल हो सकता है मेरा नंबर हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमेश्वर ने हमारे दिन पूरे कर दिए हैं, अगर हमारे दिन पूरे हो गए हैं, तो शायद हो सकता है कि हम इसी कोरोना काल में हमारी मृत्यु हो जाए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर ध्यान रखना है। सदरक मेशक और अबेदनगो को जब कहा गया कि जो राजा की बनाई हुई मूर्ति उसके सामने दंडवत करो, तो उन तीनों ने जब उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर इस योग्य है कि हमें इस तेरे इस चीज से, इस मुसीबत से जो तुम खड़ी करने जा रहे हो उससे हमें छुड़ा सके, इस आग की धधकती हुई भट्टी में से परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है। लेकिन हे राजा सुन, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी हम उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह एक निडरता का जीवन होना चाहिए हमारे जीवन में, कि अगर मान लीजिए परमेश्वर हमें इस समय में से बचाता है, हमारे परिवार के लोगों को कोरोना से बचाता है या बाकी समस्याओं में से बचाता है, तो हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं बचाता है, लेकिन अगर तब भी वह अनुमति देता है इन चीजों की हमारे जीवन में होने के लिए, तब भी हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। तीसरी बात जो हम देखेंगे, अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो क्या होगा? उसकी अंतिम आयत इस प्रकार से कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ में बनी रहेंगी और मैं यहोवा के भवन में निवास करूंगा। तीसरी बात, जो अगर यहोवा हमारा चरवा है तो हमारा जीवन एक आराधना का जीवन बन जाएगा, एक परमेश्वर के नाम की प्रशंसा का जीवन बन जाएगा। हम हमेशा चाहेंगे कि हम परमेश्वर के भवन में रहें, हम परमेश्वर के वचन को सुनना चाहेंगे, हम परमेश्वर के नाम की महिमा गाना चाहेंगे। आज की कलीसिया में हो क्या रहा है? ज्यादातर लोग कलीसियाओं से दूर जा रहे हैं। हमारे जवानों को क्या हो रहा है? वह परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए उनका मन नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए उनका मन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वह भूल गए हैं कि परमेश्वर उनका चरवाहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी को बार बार इस बात को अपने आप को याद दिलाना है। ये केवल दूसरों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है, जो बोल रहा है उसके लिए भी है, कि हमें अपने आप को याद दिलाना है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। हर दिन मुझे इस बात को याद दिलाना है। अगर परमेश्वर मेरा चरवाहा है तो मुझे शांति और कहीं नहीं मिल सकती, केवल उस वह चरवाहा जो मेरी जरूरतों को जानता है, जो मेरी जरूरतें पूरी करता है, जो मेरे साथ में, जो मुझे सांत्वना देता है, मुझे उसका धन्यवाद करना है। और वह धन्यवाद किस प्रकार से होगा? उसके नाम की महिमा गाने से। नए नियम में यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, सच्चा चरवाहा
मैं हूँ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने हमें उद्धार दिया हुआ है, अभी तक उसने हमें संभाल के रखा हुआ है। ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि ऐसा ना हो कि आगे कोई आपके जीवन में ऐसी समस्या, ऐसी परेशानी आए कि जब आपको संदेह हो कि वाकई में यहोवा आपका चरवाहा है या फिर नहीं है। लेकिन जो आपको वो एक काम करना है, वो यह काम करना है कि आपको हर दिन अपने आप को इस बात को याद दिलाना है कि परमेश्वर आपका चरवाहा है और आपको कोई भी घटी ना होगी। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।